हमारी YouTube चैनल CNCCTV News को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी खबरें सबसे पहले पहुंचे आप तक। कोलकाता में हिंसा के बाद चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार आज 10 बजे बाद बंद। कोलकाता में हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने कई अधिकारियों को हटाया, प्रधान गृह सचिव अत्री भट्टाचार्य और CID के ADG राजीव कुमार को हटाया गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ममता सरकार पर उठाया सवाल, कहा चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं, हिंसा सिर्फ बंगाल में क्यों। ममता बनर्जी ने PM मोदी के लिए अपशब्द कहे, कहा मोदी बंगाल और मुझसे डर गया। चुनाव आयोग की कार्यवाही के बाद ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर निशाना, कहा चुनाव आयोग में भरे हुए हैं RSS के लोग। कोलकाता में हिंसा के बाद चुनाव आयोग की कार्रवाई को कांग्रेस ने काला दिन बताया, कहा चुनाव आयोग ने शिकायत के बाद PM और अमित शाह पर कार्रवाई नहीं की। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सीताराम येचुरी ने सवाल उठाया, कहा BEN कल 10 बजे से क्यों नहीं, PM की दो रैलियों की वजह से फैसला। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने ईश्वर चंद्र वैद्य सागर की मूर्ति तोड़े जाने की निंदा की, कहा दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर लगाया आरोप, कहा अमित शाह पर FIR हुआ ये पहली बार नहीं, हमारी गाड़ी को तोड़ा जाता है, हम पर FIR लिखी जाती है। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से की मुलाकात के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा उपराष्ट्रपति ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, TMC ने जानबूझकर किया हमला। हमारी YouTube चैनल CNCCTV News को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी खबरें सबसे पहले पहुंचे आप तक।